बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मिस नरगिस शफी फ्रॉम गार्ड्स पब्लिक स्कूल 1 अगेन वेलकम यू इन लेक्चर नंबर 3 सोशल स्टडीज ऑफ क्लास 6। स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 3, लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ लेक्चर नंबर 2। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड लर्न द टॉपिक्स मैप्स, पॉलिटिकल मैप, रिलीफ मैप, physical features of the earth, mountains, hills, plains and desert. I hope student ye tamam topics aapko achhi tarah samajh aa gaye honge. Plateaus are important physical feature of earth. Plateaus are table land. These are flat land well above sea level. Some plateaus have fertile land while some has dry barren lands. It depends on their height, amount of rainfall. Plateaus bhi students satah samandar se buland hote hain aur table land hote hain, yani ki inka top mountain ki tarah se upar se pointed nahi hota balki upar se satah chaudi aur level hoti hai. Plateaus ki ek side dhalan wali hoti hai. Kuch plateaus khushk aur banjar hote hain jabki kuch plateaus फर्टाइल होते हैं और इनके फर्टाइल होने का निसार इनकी बुलंदी और बारिश पर होता है. पाकिस्तान में दो अहम प्लाटो हैं, बलूचिस्तान प्लाटो, पोटोहार प्लाटो. यस, पोटोहार प्लाटो इज़ द फेमस वर्ल्ड्स फेमस प्लाटो. प्लाटोज ऑफ पाकिस्तान. बलूचिस्तान प्लाटो लाइज इन साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान इन केरथर एंड सुलेमान माउंटेंस. मिनरल्स, देर आर मैनी नेचुरल मिनरल्स आर फाउंड इन दिस ड्राई बैरन लैंड. स्पेशली नेचुरल गैस, कोल एंड कॉपर आर फाउंड हेयर इन एबंडेंट क्वान्टिटी. पोटोहार प्लाटो लाइज इन नॉर्दर्न पंजाब, अटक एंड जेहलम डिस्ट्रिक्ट. मिनरल जिप्सम, कोल एंड रॉक सॉल्ट आर फाउंड हेयर इन एबंडेंट क्वान्टिटी. द स्पेशल थिंग क्योरा सॉल्ट माइंड इज फाउंड हेयर. इट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट माइंड ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज द सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइंड ऑफ द वर्ल्ड. स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, दुनिया की वाहिद नमक की मस्जिद यहाँ कान के अंदर ही तामीर की गई है. इसके अलावा मॉडल ऑफ मीनार पाकिस्तान भी यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों ने तामीर किया है और दुनिया भर से रोजाना विजिटर्स यहां आते हैं. लेक्स. लेक्स आर बॉडीज ऑफ वाटर सराउंडेड बाई लैंड. लेक्स वाटर कैन बी सॉल्टी और फ्रेश. झीलों में पानी चश्मों या ग्लेशियर से आता है इसलिए वो मीठा होता है और जो झीलें समंदर से टच करती हैं इनका पानी नमकीन होता है. इन पाकिस्तान वी हैव मोर देन 60 लेक्स इन नॉर्दर्न एरियाज एंड मंचर लेक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान एंड एशिया. रिवर्स. रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ. दरियाओं में पानी पहाड़ों से आता है और ये पानी मुसलसल बहता रहता है और अपने साथ पहाड़ों से मिनरल भी शामिल कर लेता है. दरिया छोटे भी होते हैं और बड़े भी. बड़े दरिया समंदर की मानंद होते हैं और इनमें बाकायदा शिप्स चलती हैं, जैसे कि टर्की का बॉस्फोरस रिवर, और डीप इतने होते हैं जस्ट लाइक ओशंस. रिवर हैव फ्रेश वाटर बट जिस मकाम पर दरिया समंदर से मिलता है वहाँ का पानी नमकीन होता है. रिवर इंडस is the biggest river of Pakistan and our agriculture depends on it. Indus river falls in Arabian Sea. Estuary. Estuary is a wide part of a river where it joins the sea. Student, where sea water and river water combines, water becomes slightly salt. Estuary can make good harbor for ships. Important point, students, there is no estuary in Pakistan. With the help of picture, you will understand estuary easily. Delta. Delta is a low flat land shaped like a triangle where a river breaks into many branches before falling into sea. It is very fertile area because the mud brought down by the river, but it is liable for flooding. In Pakistan, river Indus forms Delta in Sindh, southern Sindh near Thatha. Review of chapter number 1. Students, now we have completed chapter number 1. So let's have a look on lecture summary. As you can see, in lecture number 1, we have learned that following topics like geographical spread of Islam, location of Pakistan in Asia and South Asia, and neighboring countries of Pakistan. In lecture number 2, we have completed maps, relief map, physical map, and physical features of the earth like mountains, deserts, and plains. And now in lecture number 3, we have studied about
rivers, lakes, delta, estuaries, plateaus. So students, I hope everything is clear now. आपको chapter के तमाम topics अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और अगर कहीं आपको कुछ problem होता है तो आप अपनी chapter lecture videos को 2 से 3 बार watch करें और अपनी book reading भी करें तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे. Now students, it's assignment time. Short question answers. Question number 1, what do you know about lakes? Question number 2, define estuary and delta. Long question answers. Question number 1, write in detail about plateau and rivers and also draw picture of these physical features. Activity. Student, you have to complete the following activity about the physical feature of Pakistan. Look at the activity. First is mountain range. आपको यहाँ पर एक mountain range का नाम दिया गया है, और जो blank है उसमें you have to fill up any other mountain range of Pakistan. Same इसी तरह plateaus, river भी आपको one name is given and you have to write any other physical feature name. ठीक है, जो required है वो आप लिखेंगे. अगर आपने lecture को गौर से सुना होगा तो आप ये activity बहुत आसानी से fill up कर लेंगे. Assignment. In assignment, student, now we have blanks as well. 6 blanks hain. You have to fill up this blank. Aapne video ko watch kiya hai, so you will fill up this blanks easily. And I hope there is no problem. Everything is clear. Aap, inshallah, next lecture mein, I mean lecture number 4 mein, we will start chapter number 2. And till then, Allah Hafiz and take care.